प्रोग्रेस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 की मराठी सुलभ भारती टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। एक्चुअली कविता है, पोयम है, टाइटल है भारत माता। तो ये है हमारी पोयम। इसे हमें क्या करना है, पहले लिखा है ऐका, ऐका मतलब सुनो। दूसरा महणा, महणा मतलब बोलो। और तीसरा है वाचा, वाचा मतलब पढ़ो, रीड। तो हमें इस पोयम को सुनना है, बोलना है और इसे रीड करने भी हमें आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी कविता। प्रियतम अमुची भारत माता। प्रियतम मतलब जो हमें प्रिय हो, जो हमें बहुत प्यारा हो। प्रियतम अमुची, अमुची मतलब आमची, हमारी। जैसे हम कहते हैं ना आमचा, आमचा देश, आमची मुंबई, तो आमची हमारी है ना। प्रियतम प्रिय है, हमें प्यारी है हमको हमारी भारत माता, मतलब मदर इंडिया, हमारा देश हमें प्यारा है। प्रियतम अमुची भारत माता, आम ही सारी तिची मुले। मुले का मतलब होता है चिल्ड्रन, बच्चे। तो आम ही सारी, हम सब है ना, आम ही मतलब हम, सारी मतलब सब, हम सारे जो है तिची उसकी उसके बच्चे, तिची मुले है ना। तो हम सब भारत माता के बच्चे हैं। रंग वेगड़े गंध वेगड़े, रंग मतलब कलर, वेगड़े मतलब डिफरेंट, अलग। तो रंग अलग अलग है, गंध, गंध का मतलब होता है स्मेल है ना। तो गंध वेगड़े, तो रंग वेगड़े गंध वेगड़े, मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे हम सबका रंग अलग है, गंध अलग है, स्मेल अलग है। लेकिन ये किसके बारे में बात हो रही है, आगे हम फोर्थ सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझेगा। बच्चों का अलग अलग रंग गंध की बात नहीं हो रही है, पर हम सब अलग अलग है किसकी तरह। यहाँ देखिए, तरी ये थील सर्व फूले, फूले फूल की तरह, फ्लावर्स की तरह। जैसे फ्लावर्स के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग स्मेल होती है, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, अलग अलग तरह के फ्लावर्स रंगों में आते हैं और उनकी अलग अलग गंध, खुशबू होती है। तो वैसे ही रंग वेगड़े, जैसे रंग अलग अलग होए और स्मेल अलग अलग है, फिर भी सब फूल है, सब हमें प्यारे हैं, वैसे ही भारत माता के हम सब बच्चे सब अलग अलग है। हमारे देश में भी लोग नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब एक है। तरी एथिल सर्व मूल्य, सर्व का मतलब होता है ऑल, सब। तो हम सब अलग अलग है, फिर भी, तरी मतलब फिर भी, ये थिल यहाँ की हम सब, सब क्या है, मूल्य है, फूले है, मतलब फूल की तरह है। तो हम सब बच्चे, भारत माता के बच्चे फूलों की तरह अलग अलग है पर सब मजेदार है। तो ये यहाँ पे इस फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है। फिर अगला पैराग्राफ है, प्रिय अम्हाला ये थील माती। माती का मतलब होता है मिट्टी, सॉइल। तो प्रिय है, प्यारा है, अम्हाला मतलब हमें, ये थील मतलब यहाँ की, और हमारे देश की मिट्टी हमें प्यारी है, है ना। प्रिय है पानी झुरझुरते, मतलब यहाँ का जो पानी भी हमारे देश का, वो भी हमें प्यारा है। तो जो पानी बहता है, झुरझुर पानी बहता है, वो पानी भी हमें बहुत प्यारा है। प्रियकर ही दुलनाई शेते, शेते मतलब खेत, फार्म्स। तो हमारे जो फार्म्स है, खेत है, तो उसमें खेत में जो फसल उगती है, क्रॉप्स होते हैं, तो हवा से क्रॉप्स कैसे डोलते हैं ना ऐसे, तो वो डोलते हुए खेत भी हमें प्यारे हैं। तो प्रियकर ही दुलनाई शेते, डोलते हुए शेत। प्रिय है वारे सरसरते, वारे मतलब विंड, हवा। तो हमारे देश में जो हवा बहती है वो भी हमें प्यारी है। तो जो हवा बहती है, सरसर हवा बहती है, वो भी हमें प्यारी है। तो हमारे देश की मिट्टी, पानी, खेत और हवा सब हमें प्यारा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रियतम अमुचा धवल हिमालय। धवल मतलब सफेद, प्योर। तो सफेद रंग को धवल कहते हैं। तो हिमालय जो पर्वत है हमारे नॉर्थ में, भारत देश में है, तो हिमालय के ऊपर बर्फ लदी हुई होती है, तो बर्फ से वो सफेद दिखते हैं। तो ये सफेद हिमालय जो है वो भी हमें प्रिय है, प्रिय वो हमारे सफेद हिमालय है। और हिमालय, यू शुड नो, हिमालय आर द हाईएस्ट, टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है ना। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड हिमालय में। तो ये जो है हिमालय, हमारे इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, हमारे हिमालय पर्वत, सफेद पर्वत है जो हमारे, वो भी हमें प्यारे हैं। बघे भिड़ाया जो गगना, मतलब ये जो हिमालय है वो कैसे, बघ मतलब देखो, लुक सी, देखो, भिड़ाया, भिड़ाया मतलब भिड़ने को लगे, मतलब मिलने को जा रहे, किसको मिलने को जा रहे, गगन को, गगन मतलब स्काई। तो ये जो हमारे पर्वत है, देखो वो मिलने को जा रहे, मिल रहे किससे, गगन से। तो ये ना, ये मिल रहे गगन से, हमारे हिमालय पर्वत इतने ऊंचे, तो वो हमें प्यारे हैं। प्रियतम अमुचे सह्या विंध्य,
ये दो वर्ड मिलके बने हैं, सहय और विंध्या। सहय मतलब सह्याद्री और विंध्या मतलब विंध्या। तो ये दो रेंज है, माउंटेन रेंजेस है हमारे पेनिनसुला। नीचे अगर हम जाएंगे महाराष्ट्र में भी जो वेस्टर्न घाट्स पूरा आता है वो सह्याद्री माउंटेन्स है, मुंबई की ओर जो हमारे वेस्ट कोस्ट की ओर है। तो ये सह्याद्री माउंटेन्स जो है तो वो हमें सह्याद्री और विंध्या माउंटेन्स ऊपर है वो हमें प्यारे हैं। तो प्रियतम अमुचे सह्या विंध्या है। प्रियतम या गंगा जमुना, तो हमारे देश के पर्वत भी हमें प्यारे हैं। तीन पर्वत के नाम आ गए, हिमालय, सह्याद्री और विंध्या। और अब किसकी बात हो रही है, अब हमारे देश की नदियों की बात हो रही है। प्रियतम या गंगा जमुना, तो गंगा नदी और जमुना नदी, तो गंगा जमुना भी हमें हमारे देश की नदियां प्यारी है, है ना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, मानव सारे समान अस्ति, मतलब मानव मतलब मैन, ह्यूमन, सारे सब ह्यूमन जो है समान होते, समान होते मतलब सेम होते, इक्वल होते, तो ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। शिकवण ही, शिकवण मतलब टीचिंग, ये शिकवण, ये जो सीख है ये हमने दी किसको, जगतास दिली, जगत मतलब दुनिया, तो दुनिया को ये सीख हमने दी है, भारत देश ने दी है कि सब ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। या माते जी मुले सदगुणी, ये मिट्टी माते, अभी तक माती फिर से आया, माते माती, ये माते मतलब सॉइल मिट्टी, तो या माते जी मुले, ये मिट्टी के जो बच्चे है सदगुणी है, सदगुणी मतलब गुण मतलब क्वालिटीज, खूबियां, अच्छे गुण वाले है, गुड क्वालिटी गुड कैरेक्टर वाले लोग हैं हमारे देश के वासी। तो या माते जी मुले सदगुणी, है ना, अच्छे गुण, अच्छे गुण वाले है। सर्व जगाला प्रिय झाली, पूरे सर्व भी फिर से आया, देखो माती फिर से आया, सर्व मतलब ऑल सब, ये दोनों फर्स्ट पैराग्राफ में ये दो वर्ड्स थे। तो या माते ची मुले सदगुणी सर्व जगाला, पूरे जग को प्रिय झाली, है ना, यहाँ जगत आया, यहाँ जग आया मतलब वही दुनिया, तो पूरे जग को ये प्रिय हुए हमारे देश के वासी। तो हमारे देश के जो बच्चे हैं, इस मिट्टी के जो बच्चे हैं, वो पूरे देश को प्यारे हुए। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जाके वहाँ काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो हमारे देश के लोग, सारी दुनिया उनसे वाकिफ है और सब उनसे इम्प्रेस्ड है, उनकी अच्छे क्वालिटीज से, अच्छी अच्छे नेचर से, अच्छी क्वालिटी से, अच्छी खूबियों से। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि या माते ची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली। फिर लास्ट पैराग्राफ है, प्रियतम अमुची भारत माता, फिर से वही हम दोहरा रहे हैं कि हमारा देश जो है, हमारी भारत माता हमें प्यारी है। वंदन अमी तिला करूं, वंदन करना मतलब झुकना, उनको बाउ डाउन करना, तो वंदन अमी तिला करूं, तो हमारे देश को हम वंदन करते हैं। या माते जी मुले लाड़की, तो इस मिट्टी के जो बच्चे हैं वो लाड़के प्यारे हैं, हमारे देश के बच्चे हमारे देश को प्यारे हैं, बिलवड है। लाड़का होना मतलब प्यारा होना, जिसमें बहुत प्यार आता है, लाड़का होता है। तो या माते ची मुले लाड़की सदा तिचा ध्वज उंच धरू, तो हमेशा, सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, तिचा मतलब हमारे देश का ध्वज, ध्वज मतलब फ्लैग, तो जो हमारे देश का फ्लैग है हम सदा हमेशा उसको ऊंच ऊंच मतलब ऊंचाई पे धरू मतलब होल्ड करना, हम उसको हमेशा ऊंचाई पे पकड़ के रखेंगे। तो हम इस देश के बच्चे जो है, हम लाड़के हैं और हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, हमारा देश हमसे बहुत प्यार करता है, और हमारे देश का जो झंडा है, ध्वज जो है, हम हमेशा ऊंचा लहराएंगे, हम हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, सही कि नहीं, हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे देश को हम पर गर्व हो। तो यहीं पे हमारी ये कविता समाप्त होती है। कविता की जो कवित्री है उनका नाम दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम देख लेंगे। ये देखिए शांता शेख के, तो भारत माता, ये हमारी कविता समाप्त हुई, शांता शेर के, इन्होंने इसे लिखा है। थैंक यू। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एशाज लर्निंग ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा, तो शुरू में आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं होगे, तो आप कॉन्टैक्ट को प्रेस करोगे और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो इस स्क्रीन पे आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या भरना है, आपका नाम और कोर्स सिलेक्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से हम आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करके वो एक्सेस देंगे। तो यहाँ पे आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है और कोर्स सही सिलेक्ट करना है। ये देखिए लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, तो अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो आप ट्यूशन सिलेक्ट करोगे, बाकी सारे कोर्सेज हमारे हैं जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स, KBI कौन बनेगा IAS क्विज शो हमारा होता है बच्चों के लिए, JEE नीट की प्रेपरेशन है, UPSC प्रेपरेशन है, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना
कोर्स सिलेक्ट करोगे। तो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप हमारे नेक्स्ट जो स्क्रीन पे जाओगे वहाँ पे मैसेज जो है उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि आप कौन सी स्टैंडर्ड में, कौन सी क्लास में, कौन से बोर्ड में हो, तो हम उस हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो काफ़ी सारे फ्री वीडियोस, टेस्ट है, पेड कोर्सेज भी है, पर आप फ्री कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप ये डिटेल्स भेजने पर आपको हम देंगे लॉगिन डिटेल्स। तो वंस यू गेट द लॉगिन डिटेल्स, तो आप उस लॉगिन डिटेल्स को यूज करके हमारे ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर। और वंस यू गेट द लॉगिन डिटेल्स, दिस विल बी द स्क्रीन विच यू विल सी। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियोस एक्सेस करनी है तो यहाँ पे वीडियो आइकन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको टेस्ट एक्सेस करने हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट आइकन को क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट आइकन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे होते हैं, हमारे जो ऐप पे टेस्ट है तो टेस्ट आप दे सकते हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेस्ट आएंगे, आपके अपकमिंग टेस्ट आएंगे, जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए उनकी लिस्ट ऑफ टेस्ट भी अलग से आपको आएगी, और जो आप शेड्यूल्ड है और जो आपको अलॉट किए गए टेस्ट पर आपने दिए नहीं है वो पेंडिंग टेस्ट में आएंगे। तो आप सारे टेस्ट ये देख सकते हैं, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन और चार ऑप्शंस, तो उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपना आंसर देना है। और उसके बाद आप ये भी पूरे टेस्ट सबमिट करने के बाद अपना इमीडिएटली स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही दिए, कितने आंसर गलत दिए, आपका स्कोर कैसा रहा। और टेस्ट देने के बाद कभी भी आप बाद में उस टेस्ट पे जा सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रिविजन का प्रोविजन दिया गया, आप देखिए, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये सारा प्रोविजन इस ऐप में दिया गया है, तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।